तीनों लोगों से न्यारी मथुरा नगरी में यहाँ बहुत कुछ निराला होता है। ऐसी ही एक निराली खबर हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें जहाँ देश भर में बुराई के प्रतीक लंकापति रावण का पुतला दहन किया जाता है, मगर मथुरा में सारस्वत समाज ऐसा भी है जो कि हर साल आज रावण दहन से पहले रावण की आरती उतारकर उसकी पूजा करता है और रावण का आशीर्वाद लेकर देश में रावण दहन की परंपरा को गलत बताते हुए उसका विरोध करते हैं। वहीं रावण दहन का विरोध भी करते हैं, इसके साथ साथ श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण करने वाले अत्याचारी लंकापति रावण का आज विजय दिवस के पर्व पर पूरे देश में जहां पुतला जलाया जाता है, वहीं मथुरा में लंकास भक्त मंडल के द्वारा राम लीला मैदान में होने वाले राम और रावण के युद्ध से पहले रावण की मनकामेश्वर महादेव मंदिर यमुना पार में रावण को भगवान मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है और आरती उतारी जाती है। इस दौरान लंकेश भक्त मंडल का कहना है कि रावण महाज्ञानी और बड़ा विद्वान पंडित था, जिसकी भगवान भोलेनाथ ने भी ज्ञानी होने की बात मानी थी और लोग ऐसे विद्वान का पुतला हर साल दहन करके रावण का अपमान करते हैं, जिसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब एक बार मरता है तो उसको एक बार ही जलाया जाता है, मगर यहाँ रावण को हर साल जलाना गलत है और हम रावण दहन का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि रावण की पूजा अर्चना की जाए, वहीं उनका इस तरह से अपमान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि रावण जितना विद्वान था वह पूरी दुनिया जानती है और यहाँ पर रावण के द्वारा मनकामेश्वर महादेव मंदिर का भी पूजा अर्चन किया जाता है। वहीं भगवान को फूलमाला और भोग प्रसाद के द्वारा यहाँ पर पूजा की जाती है। कांड विद्वान भगवान शिव के परम भक्त और भगवान श्री राम के आचार्य रावण महाराज की आज यहाँ पर पूजा की गई है, महाआरती की गई है। हम लोगों का मानना है कि रावण एक प्रकांड विद्वान थे और विद्वान व्यक्ति का कहीं पुतला दहन नहीं होता। हमारे भारत में एक ये कुप्रथा है जिसमें प्रतिवर्ष लोग बुराई के रूप में महाराज रावण का पुतला दहन करते हैं, जिसे कुप्रथा को दूर करने के लिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। हिंदू संस्कृति में एक व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत केवल एक बार अंतिम संस्कार होता है, बार बार किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं होता है। रावण को जब भगवान श्री राम ने अपना आचार्य माना, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को राजनीति की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पास भेजा, तो इतने प्रकांड व्यक्ति का जो लोग पुतला दहन करते हैं वो सरासर गलत है और ये कुप्रथा बंद होनी चाहिए, जिससे देश में और शांति आएगी, सद्भावना पैदा होगी और धर्म के प्रति जागरूकता आएगी। प्रकांड विद्वान से लोगों को सीख लेनी चाहिए, रावण के चरित्र से लोगों को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने माता जानकी का सम्मान किया था, कोई गलत नियत से उन्हें अपनी अशोक वाटिका में लेकर नहीं आए थे, वहाँ भी सम्मानजनक तरीके से महिलाओं की देख रेख में उनको वहाँ पर रखा था। ऐसे चरित्रवान व्यक्ति का प्रतिवर्ष पुतला दहन करना सरासर गलत है। रावण का जो प्रतिवर्ष पुतला दहन जो लोग करते हैं वो सरासर गलत है। रावण एक ऐसे विद्वान पैदा हुए हमारे भारतवर्ष में, और जो लोग पुतला दहन कर रहे हैं वो इस कुप्रथा को जन्म दे रहे हैं, जबकि रावण इतने विद्वान ज्ञानी महाज्ञानी पंडित थे कि उनकी तो आरती करनी चाहिए, जय जयकार करनी चाहिए, जबकि उसकी जगह पे कुछ लोग इस कुप्रथा को चलाए जा आ रहे हैं और उनका पुतला दहन करते चले आ रहे हैं। इसको बंद होना चाहिए ये, और उनकी पूजा करनी चाहिए।